मंडी दे ठेके नूं लै के हुण सवाल जिहड़े खड़े हो रहे ने तां इल्जाम एक भाजपा नेता ते लग रहा है। दरअसल एक गुट वालों दावा किया गया कि उन्होंने वालों मंडी दे ठेके वास्ते वध पैसे दिते गए सी, लेकिन फिर भी उन्हां दी बोली नूं कट दिता गया है। तो साडे नाल अमरजीत सिंह मौजूद ने। सर की है जी तुहाडा मामला? सर मैनू ठेका अलाउड किया गया सर 28 तरीक नूं मार्केट कमेटी जो कॉम्पीटिशन लड़ के मैं ठेका लिया मैं 5,17,786 रुपये दे विच। ये जो भाजपा नेता अपने जिला प्रधान संजीव कुमार जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के सानू ये इल्जाम लाए आ भी कह रहे हैं भी असी डिफाल्टर होना चाहते हैं, असी तां रेट भरिया। इन्होंने अज तक भी जो भी रेट मार्केट कमेटी का भरिया वा, जब भी टेंडर भरिया वा, इन्होंने सैकटरी मार्केट कमेटी अमरदीप सिंह कौड़े रल के ये टेंडर भरिया वा। उसका रेवेन्यू कदे भी मार्केट कमेटी का रेवेन्यू कदे भी इन्होंने 3 करोड़ 3.5 करोड़ तो उपर जान ही नहीं दिता, ठीक है जी। जो कि पंजाब सरकार ने बहुत तगड़ा चूना ला रहे ने भाजपा नेता संजीव कुमार जी और मार्केट कमेटी के उच्च अधिकारी, ठीक है जी। जो अधिकारी इन्होंने अज तक जो भी मार्केट कमेटी का रेवेन्यू अज मैं जे रेवेन्यू वधाया वा 5,17,00,000 के इन्हों पच नहीं रहा, यह मेरे नाल शरेआम धक्का कर रहे ने। मेरा टेंडर रिजैक्ट करा के मेरी फर्म नू ब्लैकलिस्ट किया गया वा, इन्हां वालों रंजिश तहत अफसरां दी मिली भुगत नाल मैनू रंजिश तहत मेरा ब्लैकलिस्ट ठेका कर दिता गया वा, जो कि मेरा मंडी बोर्ड तो ना तो कुछ लेना देना वा, ना मैं उन्हां तो डिफाल्टर है। जो कि आ संजीव कुमार है ये मंडी बोर्ड तो डिफाल्टर है, 2019-20 दे विच डिफाल्टर हैगा वा रकमां दे। इहदे उत्ते अज भी केस चल रहे ने अदालत दे विच, ये जमानत दे उत्ते संजीव कुमार बाहर हैगा वा, 420 दे उत्ते केस आ जिहड़े ये कल के कारण की तुसीं समझदे हो कि अफसरशाही हाले रली हुई है? सारी अफसरशाही सारी रली पई आ। बीजेपी जिहड़ी बीजेपी है इंटरनेशनल पार्टी आ, मैं कहना भी बीजेपी इंटरनेशनल पार्टी के होने के बावजूद भी इहो जिहे करप्ट बंदे जुए का काम कराने वाले, दड़े का काम कराने वाले क्रिमिनल बंदे डिफाल्टर बंदे नू क्यों भाजपा ज्वाइन की? मैं तो उच्च अधिकारियों भी इस संबंधी मिलूंगा भी इन्हों पार्टी तो बाहर पक्ष किया बाहर का रस्ता विखाया जाए ता जो दो जो जो बीजेपी का जो रूप आ वो लोगों का साफ हो सके, बीजेपी लोगों की छवि दिख सके, क्योंकि इन्होंने इन्हों वर्गे कुछ अधिकारियों ने बीजेपी की छवि इन्नी क खराब की पी आ। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा भी मेरा किसी पार्टी कोई लैन देन आ, मेरा किसी पार्टी कोई लैन देन ना मैं कांग्रेस को जानता, ना मैं अकालियों को जानता, ना मैं आप को जानता, मेरा किसी पार्टी कोई लेना देना नहीं आ। मैं सिर्फ अपने हक सच की लड़ाई लड़ रहा वा, मैं अपना बिजनेस करना चाहता वा, ता जो मैनू इन्ना हरासमेंट कर रहे हैं नाल मेरे सज्जनों इन्ना हरासमेंट कर रहे हैं, इन्हां दे नाल कुछ उच्च अधिकारी ने जुड़े जिन्ने महकमे दे पुलिस अधिकारियों के उच्च अधिकारी इन्हों के नाल जुड़े ने, जो जो मेरे सज्जनों के उत्ते कहिंदे आ भी चिट्टियां दे केस पा के इन्हां नू साल साल लई अंदर दो दो साल लई अंदर धक्क दांगे। असी उस तरीके असी उन्हां दी भी विजिलेंस तरीके तो विजिलेंस डिपार्टमेंट तो उन्हां दी उच्च अधिकारियों के कोलों इन्वेस्टिगेशन करावांगे, उन्हां कोल इन्वेस्टिगेशन करावांगे उन्हां दी किन्नी संपत्ति आ, किन्ना ने उन्हां ने अज तक किन्ना किन्ने लोगों नाल धक्का किया। शरिया मेरा सवाल है कि तुसीं कह रहे हो कि ताले तक ठेका 3 करोड़ का जाता सी, तुसीं 2 करोड़ का वध रेवेन्यू दे रहे हो पर फिर भी तुहानूं क्यों नकारिया जा रहा है? वड्डा सवाल है वै कि सरकार दी तां आमदन वधी है। सर ये साढ़े ना कुछ ला लो भी कुछ किसी पार्टी के ज किसी भी ये साढ़े गैंगस्टर लिंक रखते कहें साडा गैंगस्टर लिंक आ, साडा किसी कोई गैंगस्टर लिंक नहीं आ। सोनू सवाल है, मेरा सवाल है कि 3 करोड़ का ठेका 5 करोड़ से जा रहा, तुम समझ दो कि हाले भी जरा है मंडी माफिया जरा चल रहा। सर इन्हों का जो 5,17,00,000 का असी टेंडर भरया जी सर, इस मंडी चो कमाई 7 तो 8 करोड़ आ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 5,17,00,000 ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਭਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ, ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਣੀ ਮੰਥਲੀ ਸਾਡੀ 43,44,000 ਜਿੰਨੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣੇਗੀ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਭਰਦੇ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ 2.5 ਕਰੋੜ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੱਥੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾ ਜੇ ਟੈਂਡਰ ਅਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ
भर रहे हैं। यही मंडियां जिहड़ियां अज तक ये बंदे छे करोड़ रुपया साल का आप खा रहे हैं, जिहड़ा पैसा आप खा रहे हैं। तुसीं इस पासे मंडी वाले पासे हर एक जिहड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी तुहाडी आ सरकारी आ उस बार थोड़ी जी जांच करो, ध्यान रखो उस चीज़ का कि उत्तों बेनीफिट है, किहड़ा अफसर खा रहा किहड़ा नहीं खा रहा। जी एक सर संजीव कुमार बस्ती दे विच रहण वाला, संजीव कुमार बस्ती च रहण वाला, तो वह बस्ती च रहण वाला दो सालों के डिफाल्टर हो के, क्योंकि दो सालों के उत्ते ते केस चल गए मंडी बोर्ड के, दो सालों से डिफाल्टर हो के मजीठा रोड से कोठी भी लै गया, गड्डियां भी स्कॉर्पियो भी लै गया, इन्हें दो सालों से किहड़ा इहो जिहा खजाना धरती थल्लों पुट लिया भी इनू इन्ना क खजाना मिल गया भी यह कोठियां भी मजीठा रोड से पा गया, एक गड्डिया भी लै गया, कारोबार भी शुरू कर गया, इन्हें अज तक क्रिमिनल रिकॉर्ड एदा वा डिफाल्टर मंडिया बोर्डा के यह डिफाल्टर है, असं डिफाल्टर नहीं मंडी बोर्ड के डिफाल्टर यह गैंगस्टर नाल लिंक है, ये 24 घंटे गैंगस्टर घूमते आ, ये इन्वेस्टिगेशन की जाए 24 घंटे ये भी संपत्ति की अं जांच करावे, जेड़े उच्च अधिकारी उत्तर पुलिस के अधिकारी जुड़े जो डरावा दे रहे साडे नाल धक्का कर रहे हैं भी ताडे दे उत्ते चिट्टे पाउडर, मेरे सज्जना नूं कहिंदे भी तुहाडे ते चिट्टे पाउडर पाए जाणगे, तुहानूं दो दो चार चार साल ब्रेकां लवाईआं जाणगीआं, चिट्टे पाउडर असीं क्रिमिनल आ, साडा कोई बैकग्राउंड क्रिमिनल आ, साडे ते इक परचा नहीं आ, ते तुसीं साडे ते परचे किद्दां पा दोगे, क्यों असीं कारोबार की लड़ाई लड़ रहे तां परचे पा दोगे साडे ते, असीं परचे नहीं लैणा, असीं कारोबार करना चाहते हैं। पर संजीव कुमार एक नंबर का डिफाल्टर है, एक नंबर का क्रिमिनल आ, एक नंबर का जुएबाज, एक नंबर का दड़ेबाज है संजीव कुमार। की मांग करदे हो भगवंत मान साहब को? भगवंत मान साहब तो यह मैं मंग करदा वा भी इहदे को इन्हें अज तक जो पंजाब सरकार नूं जो चूने लाए आ, ये अपने मूँह भी कहिंदा असी पता नहीं कोई आप सरकार का आप दा MLA कैबिनेट मंत्री आ उन्हां कोले फोन करवा के इन्हें साडा ठेका रद्द करवाया वा, साडे शरेआम साडे मूँह ते इन्हें इन्नियां गल्लां कहियां ने, ये कल प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच कहिंदा सी कि भी साडे नाल इक मीटिंग कीती, इन्हें साडे नाल इक मीटिंग नहीं कीती, साडे नाल इन्हें चार तो पंज मीटिंगां कीतियां। कहा गया कि रेवेन्यू घटाओ तुसीं, सानू रेवेन्यू ये घटाउण बारे इन्हें कहा भी जिहड़ा 5,17,00,000 का तुसीं टेंडर लिया वा, इनू टेंडर नूं असीं 2.5 to 3 crore दे विच लवांगे, सरकार नूं चूना लाउण दी पूरी तैयारी दे विच संजीव कुमार आ, ये नवीं तो नवीं फर्म तैयार करके कॉम्पीटिशन च लैके आउंदा वा, नवें मुंडियां नूं काम करन दा मौका नहीं दिंदा, अपनी ये ला लो अफसरशाही का जिहड़े पैसे चार ने दो सालों च मंडी बोर्ड नूं चूना लगा के इकट्ठे किए उहदी दुरवरतों कर रहा वा, अफसरां दे नाल पत्तियां पा रहा वा, शरेआम अफसर इहदे हक च पूरंडे आ, सानूं पता वा, पर आउण वाले समें दे विच जदों असीं उतरांगे, जदों भी अगली प्रैस कॉन्फ्रेंस साडी होऊगी, असीं DGP पंजाब ते DGP विजिलेंस नूं पूरी इनकवायरी उन्हां अफसरां दे खिलाफ देवांगे भी उन्हां दी कित्थे प्रॉपर्टी किहदे नां ते कदों आ ते किन्ने करवाई, ते असीं पूरी जांच करवावांगे। ते संजीव कुमार एक नंबर दा करप्ट आ जी बंदा। तो तस्वीरां तुहानूं सांझियां कर रहे हैं मंडी दीआं नेता, मंडी नूं लै के बहुत वड्डा विवाद वर्तकिया है कि जिथे सरकार नूं 2 crore rupees वध खाते दिता जा रहा है, तो उत्थे ही जिहड़ा है हुण एक बवाल मच गया, तो मंडी की तस्वीर तुहानूं सांझी कर रहे हैं, एक अमृतसर की वल्ला सब्जी मंडी है जिन्हों लैके एक एंट्री फीस होंगी है जिद परची कट्टी जाती है, तो परची का काउंटर भी तुहानूं सामने दिखा रहे हैं कि जो भी कोई व्यक्ति समान लैके जाता है या रेहड़ी फड़ी लैके जाता है तो उसकी परची कट्टी जाती, तो उसका ठेके को लैके हुण बवाल जिहड़ा मचया है, तो भाजपा नेता से इल्जाम लगे ने, आओ जाने की कहना भाजपा नेता का। तो साढ़े नाल इस वक्त भाजपा नेता मौजूद ने जिन्हों के इल्जाम लग रहे हैं, सर तुहाडे ते इल्जाम लग रहे हैं कि तुसीं जिहड़ा है कि 5 crore का सी उहदे जानबूझ के टेंडर थले कराया गया। सर जो सरकार की एक फॉर्मेलिटीज होंगी है, सरकार जो भी कोई टेंडर लेंदा है तो उसका 20% अमाउंट जमा करानी पैंदी है, जिहड़ी मंगलजीत फर्म है इन्होंने 5,17,00,000 का टेंडर भरया वा, और जिहड़ी साडी फर्म सी उन्होंने 3.3 crore का भरया, पर इन्होंने मैरिट ते सी ते पर इन्होंने ठेका जो 5.17 crore का इन्हों का निकलिया, उस तो बाद एक फॉर्मेलिटी होंगी है कि 12 पोस्ट डेटेड चैक देने हैं तो नाल 20% जमा कराना, इन्होंने वो जमा नहीं कराए तो जबरन मंडी से कब्जा कर लिया, तो जो मंडी से कब्जा हो गया शहर से रौला पै गया कि क्योंकि जेडे जो कब्जा करने का तरीका से वह भी गलत सी, हथियारों नाल बंदे लैके गए, तो उत्थे जो मौके का सुपरवाइजर से उन्हें रात को देखा कि स्थिति खराब है, उन्हें सवेरे अपने अफसरों बकायदा लिखित से इन्होंने कंप्लेट की, तो जेडे उत्थे मंडी मार्केट कमेटी का जोड़ा सैकटरी हुंदा वा उन्होंने इसकी जी अपने आला अफसरों की, उस बाद उत्थे आला पुलिस अफसर आए
तो जो उन्होंने इन्हों को कागज़ मंगे इन्हों को कागज़ नहीं निकले। सर वो तो अड़ते रोप ला रहे हैं कि तुम पंजाब पुलिस के अफसर न मिल के उत्थे पहले अपनी मंडी चलाते रहे हो तो हूँ तुम उन्होंने उत्ते परचे पाने की धमकी दे रहे हो। भाई जी मेरा तो ऐसा कोई पता नहीं पंजाब पुलिस का अफसर इतने तो सारे शहरदारी है मैंने तो पता नहीं कि अफसर की गल कर रहे जो साड़ी इन्नी गलबात हो सूँ इतने धक्के खाने पैन असं आप अगे पिछे फिर रहे सूँ इन्होंने जबरन साढ़े को ठेका खोया वा वो कहते जी कि तुम अपने पद का जरा भाजपा का तुम एस सी विंग के जो प्रधान हो वह जरा है गलत इस्तेमाल करते पे हो। सर वो गलत इस्तेमाल तो होएगा जे साड़ी इतने सरकार होएगी असी तो संघर्ष कर रहे हैं इतने तो आम आदमी पार्टी सरकार है पहला कांग्रेस की रही है असी तो पहले भी पांच साल संघर्ष करते पे हूँ भी संघर्ष कर रहे हैं साड़ी कितने प्रशासन सुनता असं हाँ कारोबार करते हैं कारोबार करना सब का राइट है पर कहते कि तुम धक्के जो है कि 2 करोड़ का रेवन्यू पहला भी साड़ा थले सुटने की कोशिश की कोई है रिकॉर्ड तो लियान ये सरकार मैं मेरी हैसियत की मैं छोटा या निमाणा या बंदा वो कहते जी तुम अपने बीजेपी की हैसियत होने करके कमीशन की गल्ला करके जोड़ा है कि तुम इस तरह के गलत काम कर रहे हो मैनू कोई साबित करे असी इतों ए छोटी मेरी थले किरियाने की दुकान है साड़ी जद्दी दुकान है असी टेंट की दुकान है मैं मेहनत करके असी इतों थोड़े छोटे छोटे ठेके लिए मैं पार्किंग अच्छ मेरा रिकॉर्ड है कारपोरेशन से मैं अमनदीप दा होस्पिटल का टेंडर चलाया इतने सब्जी मंडी जी पुरानी होंगी सी बसा जिसे पार्किंग लगती है मैं उतने का टेंडर चलाया मेरा रिकॉर्ड तो कारपोरेशन का कटा लन मैं तो कम करते हाँ कम करके पर मेरा सवाल है कि गल होर कह रहे हैं वह कहें जी कि तुम ग्रीन फील्ड बहुत वीड्डी कोठी बनाई तुम बहुत ज़्यादा गबन किया वो ऐसी गल चलो कह दो उ 100 गज का मकान है 105 गज का मकान है वह भी बैंक का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बैंक उसे लोन है तो तुम समझ लो कि जो 105 गज का मकान लेना भी कोठी है तो फिर मैं तो कहना सब सारा यह कोठी दे जिस तरीके इस तरह वार्ड तो समझते हो कि त्रुटि कितने सर इस तरह मैं इन्हों का बैकग्राउंड चैक कर लिया जाए साड़ी भी बैकग्राउंड चेक कर लीती जाए इन्हों का तुम्हें सब पता लग जाएगा भी ये डिफॉल्टर ने अपने आप को सेव करने वास्ते परचा तो भी आया मेरे तो दसो साबित करो मेरे तो परचा आया मैं 188 का मैं समाज वास्ते लड़ाई लड़ी है धरना लाया वो मैं जज ने मैं कंपनसेज किया तो जे आप समाज की लड़ाई लड़ा तो सरकार ने मेरे तो परचा देना ही देना वा तो 188 का परचा मेरे से 4 होर कर दो असं तो समाज की लड़ाई लड़नी है ठेका थोड़े को जी मेरे कोई ठेका नहीं पूछ लो जी वो कहते जी कि तुम हूँ भी जरा ठेका चल रहा वो तुम अपने बंदे पाए भाजी उत्थे कैमरे लगे है सरकार मेरी गुलाम थोड़ा वा जे सरकार जो उत्थे किरण जोत जे जीवन जोत कौर जी जीते ने उत्थे दी MLA वो आके चेक करेगी उन्होंने पता वा वो चेक कर ले जे मेरे बंदे तो मैंने तो BJP मेरा नाल BJP का टैग लगा मैंने कई जगह जो BJP इस करके लॉस होंगे तो पर मैं अपनी पार्टी का सिपाही हाँ चाहे वो वास्ते मैंने जिन्ना मर्जी खमैजा भुगतना पे मैं करांगा इल्जाम लग रहे हैं सारे है जी जो इल्जाम ला रहे पता नहीं कहड़ा इल्जाम ला रहे अभी तो चंगे भले बंदे हैं इन्हों का बैकग्राउंड चैक कर लो इन्हों कॉल डिटेलां चैक करा लो माड़े आंसर कॉल डिटेलां हो माड़ा ही सारा सिस्टम होएगा और जे मैं तुम्हें सच्चाई दसा पिछले साल की गल है इन्हू कहा जिस बाबा शहीदी तू भी मनना तो आप भी बाबा शहीदी मैं हर साल मेरी जो 26 जनवरी होंगी मैं अपने परिवार के नाल उत्थे हुंदा वा इन्हू पुछ लो कि पिछले साल तू हैरान दे केस च फड़िया गया ही नहीं फड़िया गया सी ये उत्थों पता नहीं किसी बंदे नू विच पा के पैसे दे के छुट्टिया वा तो ये आप डिफॉल्टर बंदे ने कहते जी कि जरा है कि इस तरह का जरा जो मास्टर माइंड है वह सारा पता पंजाब के कई नौजवान अमृतसर के कई मेरे भैन भरा अज भी जेलों से सड़ रहे हैं उन्होंने इन्हें नशे के धंधे जे पाया अज जो ये उत्थे अपना सारा कुछ इन्हें बना लिया वा तो अज अपनी अपने आप दिखावा कर रहा यदा स्टैंड है जिहड़ा इन्हां दा मास्टर माइंड है पहला उन्हें अकाली दल तो दी सपोर्ट की उत्थों टिकट लड़ी तो हूँ वह आके कह रहे कि भी मैं तो आम वो आम आदमी पार्टी चल गए इन्हों का तो कोई स्टैंड है असं मैं 24 साल हो गए पार्टी सेवा करते मैं बूथ लैवल तो काम शुरू किया तो अभी भी मैं पार्टी मैं चाहे इस पर करन से तुसी की मंग करते हो जांच होनी चाहिए देखो जिहड़ा गलत है उत्थे कारवाई होए चाहे कोई होए लाभ है कानून है बाबा साहब सब का लिखा संविधान है उन्हों सारे फॉलो करते हैं उन्होंने कोई भी नहीं मना कर सकता आप संविधान के नाल चलना जे संविधान से मैं गलत है तो मैं अंदर करो शुक्रिया तो सन भाजपा नेता जिन्होंने गलबात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर मैं गलत हाँ तो मेरे से कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन जांच निरपक्ष होनी चाहिए है तो दोष जे लग रहे हैं जिस तरह भाजपा नेता तो इल्जाम लगाए गए थे लेकिन भाजपा नेता ने अपना खुल के जरा है इस देख अपना पक्ष रखा है लेकिन हम देखना होगा कि जांच की तत् सामने आते हैं तो फिलहाल जे ठेके लैके जिस तरह की गल की जा रही है क्योंकि दोनों पक्ष एक दूजे के उत्ते माफिया का इल्जाम लगा रहे हैं पर कौन सच्चा है कौन झूठा है इस मामले के फैसला सरकार को करना पड़ेगा ताकि एक सच सामने आ सके तो सरकार की जी इनकम पिछले लंबे समय से टूट रही है वो दोबारा बहाल हो सके। सुमित खन्ना ग्रेट पंजाब TV अमृतसर।